इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। नमस्कार, न्यूज बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि परिहार। इस समय कोरोना महामारी का जो संकट देश पे चल रहा है, और इस संकट में हमारे नगर के कुछ ऐसे समाजसेवी हैं जिन्होंने दिन रात प्रवासी मजदूरों और ज़रूरतमंदों की भरपूर मदद की है। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ में मौजूद हैं जिनका नाम है कुंवर विक्रम सिंह जी, जिन्होंने भरपूर प्रयास किए हैं और आज हम इनसे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले विक्रम सिंह जी, आपका न्यूज़ बीके में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रवि परिहार जी। विक्रम जी, ये बताइए, लॉकडाउन के चारों चरणों में आपने सामाजिक कार्यों को लेकर बराबर चर्चाओं में रहे हैं, तो सेवाएं पहुंचता है, इसके पीछे क्या प्रेरणा रही है और किन प्रमुख लोगों के द्वारा ये आपने कार्य किया है? देखिए, ऐसा है, जब देश में लॉकडाउन लागू हुआ तो हमने देखा कि अपने क्षेत्र में जो दिहाड़ी मजदूर थे और जो रोज़मर्रा का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उनके परिवार भुखमरी के कगार पे आ गए, और एक ये दृश्य, और दूसरा दृश्य वो कि हमने देखा कि भूखे प्यासे पैदल लोग अपने बच्चों बिलखते बच्चों के साथ 500-600 किलोमीटर की यात्रा करके लोग आ रहे हैं। तो ऐसे परिदृश्य ने मेरे मन को, मेरे हृदय में को बहुत पीड़ा पहुंचाई, और मेरे अंतर्मन ने मुझको प्रेरणा दी कि मुझको कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए, सामाजिक कार्य करना चाहिए कि इन लोगों का, कि हम कुछ मदद कर सकें। इस संबंध में जब हमने अपने मऊरानीपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय बिहारीलाल आर जी एवं हमारे उप जिलाधिकारी सम्माननीय श्री अंकुर श्रीवास्तव जी को हमने अपनी सामाजिक कार्यों के बारे में बताया, तो उन लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाते हुए हमारी टीम का मनोबल बढ़ाया और हमको सामाजिक कार्य करने के लिए हमें पूरा मार्गदर्शन प्रदान किया। टीम द्वारा जो लोगों आए हुए थे, लोगों क्या क्या सेवाएं प्रदान की गई? हमारी जो स्वयंसेवी संस्था है नव प्रगति शांति सेवा संस्थान, और हमारा संगठन बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि टीम बुंदेलखंड, हम लोग एक टीम बुंदेलखंड के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। तो हम लोगों ने मिलकर मऊरानीपुर नगर में सबसे पहले जनता रसोई का कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जनता रसोई केंद्र खोला था, और इसके साथ फिर वो कितने दिन चलाया? लगभग हम लोगों ने 12 दिन केंद्र चलाया। उसके बाद हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में भोजन बनवा कर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य किया। लगभग 22,000 लंच पैकेट हम लोगों ने तीसरे चरण तक भोजन के वितरित किए निःशुल्क। इसके बाद हम लोगों ने चौथे चरण में फेस मास्क बैंक बनाया, जिसमें अभी तक हम लोग 15,000 मास्क मऊरानीपुर के आसपास वितरित कर चुके हैं। आपके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही थी, उसमें बजट की व्यवस्था कहां से की गई थी? अच्छा सवाल किया आपने। बजट की, वैसे हमारी संस्था है स्वयं आर्थिक सहायता के आधार पर कार्य कर रही है। अधिकांश जो बजट है मेरा निजी स्वयं का होता है। इसमें कुछ जो बजट की व्यवस्था हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं उनके द्वारा जो आर्थिक सहयोग मिलता है, उससे हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। कुछ हमारे शुभ चिंतक मित्रगण हैं, उनके द्वारा भी हमको आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे हम सामाजिक कार्यों को गति प्रदान करते हैं। लॉकडाउन के चलते केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जो सेवाएं दी गई है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? लॉकडाउन के दौरान हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तमाम योजनाएँ ज़रूरतमंदों तक के लिए लाए हैं। निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है, और लेकिन कुछ मामलों में हमें लगता है कि सरकार की रणनीतिक विफलता सामने आई है। जैसे कि वो उचित समय पर प्रवासी मजदूरों की वापसी नहीं करा पाए, और जो लोग वापस से अपने घरों पर आ गए हैं उनके लिए सरकार अब रोजी रोटी के लिए कुछ प्रबंध नहीं कर पा रही है। उनके लिए, उनके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। बाहर से आए हैं, आप क्या सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए? आप जानते हैं कि पहले बुंदेलखंड में से लगभग 80 लाख लोग यहां से पलायन करके बड़े शहरों की ओर चले गए थे, रोजी रोटी तलाश करने के लिए चले गए थे।
लेकिन कोरोना संक्रमण का ये दौर आया तो लाखों लोग बुंदेलखंड में वापस अपने घरों में आ गए हैं। अब सरकार से हमारी यही अपेक्षा है, यही मांग है कि सरकार यहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में ही उनको रोज़गार मुहैया कराए, उनको आत्मनिर्भर बनाए, उनके लिए स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए, उनको सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ, जिससे कि उन लोगों को बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों को दोबारा पलायन न करना पड़े। अच्छा, अभी सरकार द्वारा जो बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया गया है, जी जी, उससे कितनी संभावनाएं हैं, आपको क्या लगता है बुंदेलखंड विकास बोर्ड के द्वारा? बड़ा अच्छा सवाल किया रही भाई। बुंदेलखंड विकास बोर्ड को सरकार ने, जैसे हम लोग काफ़ी समय से बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, तो सरकार ने एक विकल्प के रूप में बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया था, लेकिन इस कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के दौर में ये बुंदेलखंड विकास बोर्ड कहीं सेवा करता नज़र नहीं आया, तो हमें नहीं लगता कि कोई ये प्रभाव अपना छोड़ पाया है। और हम चाहते हैं सरकार से कि अविलंब, बुंदेलखंड के लोग बहुत परेशान हैं, ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और हमारी मांग बहुत पुरानी है, इसलिए बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि बुंदेलखंड जब अलग राज्य बन जाएगा तो तभी इसका समग्र विकास हो पाएगा, यहाँ की समस्याओं का निदान हो पाएगा और बुंदेलखंड हर प्रकार से खुशहाल हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत जल्द जनता, नेता और सरकारें इस बुंदेलखंड राज्य निर्माण की ओर कदम उठाएं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों जगह है, तो हम चाहते हैं कि कोरोना महामारी के बाद इस लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए और बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। कोरोना संक्रमण काल में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हम तो युवाओं से कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आइए और अपने खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप लोग सामाजिक कार्यों में आगे आइए, ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए और खुद सुरक्षित रहिए और दूसरे लोगों को सुरक्षित रहने के लिए आप लोग जागरूक करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रहें, घर से जब बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें और कोशिश करें कि हम लोग अपने अपने घरों में ही मास्क तैयार करें और सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका पालन करें, आत्मनिर्भर बने और हमेशा एक दूसरे की मदद करें। और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना संक्रमण काल से हमें जल्द से जल्द मुक्ति मिले, हमारा देश और हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे। तो ये थे हमारे साथ में कुंवर विक्रम सिंह जी, जो कोरोना काल में लगातार ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और अपने दोस्तों, अपनी टीम के माध्यम से व्यवस्था करके लोगों तक राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। विद मोरल वैल्यूज, द ओनली इंस्टीट्यूशन विद ऑल लेटेस्ट फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, एक्सपीरियंस टीचर्स, एयर कंडीशन हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द एरिया, The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.